इन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। अली तुम भी अपने काम से काम रखा करो बली। अब ये मियां बीवी का मामला और मैं अभी जिंदा हूं, सब कुछ संभाल सकता हूं। तुम्हें खामखा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिक्र करनी है तो अपनी बहन की करो। बारे में कोई अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही। अनस, कुछ पता चला? सारे ताल्लुकात इस्तेमाल करो अपने, जितना पैसा लगता है लगाओ, मुझे रिपोर्ट चाहिए उसके बारे में सारी। तुम समझ नहीं रहे हो यार अनस, कोई नया तूफान आ जाएगा, इसे रोकना होगा। पता करके बताओ मुझे। खुदा हाफिज़ बली। हाँ बली, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? वो मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ कहो, बोल। नहीं वो भैया, प्लीज मुझे वली से बात करनी है। भैया क्या हुआ है बताओ, किसी ने कुछ कहा है? भैया सब ठीक तो है? वली माँ कुछ कहना जा रही थी। मैं उससे बात कर लूंगी। आपने से बात लाओ इधर, सर पर कसम खाओ मेरी कि तुम बिया और दानियाल के मामलात में बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करो। कसम खाओ मेरी वली। आपको बहुत चालाक समझती हो तुम। तुम्हें लग रहा था कि तुम वली के कमरे से बाहर निकलोगी और तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता है ओवर स्मार्ट लोगों के साथ, लूपहोल छोड़ देते हैं। मैंने तो तुम्हारी वीडियो बना ली है, देखना चाहोगी? वैसे यार एक अजीब से कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है तुमने मुझे। सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि आखिर कमी क्या है मुझ में। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता लेकिन पता नहीं क्यों तुमने अचानक इतना शोर मचा दिया जैसे मैंने पता नहीं क्या मांग लिया है तुमसे। लेकिन तुमने वली को चूज कर लिया मुझ पर, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। बताओ तो सही, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? बोलो ना, जवाब दो। तुम जैसा शख्स जिसके जहन और किरदार में सिर्फ और सिर्फ बुराई हो, किसी और के किरदार की सच्चाई क्या समझेगा वाला? तुम्हारी इस गंदी सोच का मेरे पास कोई जवाब नहीं।
तुम मुझे माफ कर दें बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दें। मैं जानता हूं मैं बहुत गलत था, मैंने बहुत बड़ी गलती की बाबा, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दें, एक मौका दे दें मुझे, सिर्फ एक मौका। मैं वादा करता हूं मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा, वादा करता हूं आपसे। दोबारा गलती की कसर ही कहां छोड़ी है तुमने? सर झुका दिया मेरा सारे खानदान के सामने। बाबा एक मौका तो दे सकते हैं ना आप, सिर्फ एक मौका ही तो मांग रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आप जो कहेंगे ना, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस एक बार मुझे माफ कर दे। एक शर्त है, अगर तो तुमने वो मान ली तो ठीक है, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या शर्त है बाबा? इस लड़की को तुम्हें अपनी बीवी का मुकाम देना होगा। मंजूर है बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, मैं बिया को अपनी बीवी का मुकाम दूंगा, उसे इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा बाबा, लेकिन उसके बदले बस आप मुझे माफ कर दें प्लीज, प्लीज बाबा प्लीज। जीतर जीतर थैंक यू बाबा। अरे अरे बाबा प्लीज, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, इधर आओ, ऊपर आओ, इधर तुम्हें यहां का पता किसने दिया बलि? तुम्हें क्या लगता था? तुम्हें ढूंढना मुश्किल है मेरे लिए? बिल्कुल नहीं। और कब तक छुपती रहोगी तुम मुझसे? हाँ मैं तुमसे डरती नहीं हूं जो तुमसे छुपती फिरूंगी। डराने के लिए आया भी नहीं हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो फिर क्यों आयो? तुम्हें लेने के लिए आया हूं, माँ को जरूरत है तुम्हारी। तो वो तुम्हारी भी तो माँ है ना, तुम जॉन का ख्याल रखो हमेशा, मैं ही क्यों? मुझे अपने करियर पे फोकस करने तो जाओ यहाँ से बलि प्लीज। तो करो ना फोकस। किसने रोका है तुम्हें? लेकिन नहीं है, नहीं प्लीज, आइटम नंबर नहीं। अच्छी फिल्में भी तो बनती है ना, उन फिल्मों का हिस्सा बनो, मुझे कोई गिला नहीं है, कभी नहीं रोकूंगा तुम्हें। एक्टिंग मेरा पैशन है वली, मेरा बाप एक फिल्म स्टार था, तुम्हारे बाप की तरह करोड़पति नहीं था, और एक फिल्म स्टार बनने के लिए मुझे जिस हद से गुजरना पड़े ना मैं गुजरूंगी। तो फिर यही खड़ा हूं मैं, देखता हूं एक बहन अपने भाई के खिलाफ किस हद तक जा सकती है। अच्छा बताती हूं। हेलो सिक्योरिटी जी, बलि बलि क्या बोलते हैं? लड़ने के लिए नहीं आया हूं मैं, कहा ना लड़ने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हें लेने के लिए आया हूं यार रानी, चलो ना, मां को जरूरत है तुम्हारी। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा नहीं सकते बलि, दो दिन में मेरी शूट स्टार्ट है, अब तो कोई नहीं रोक सकता। तुम हार गए बलि। दो दिन का वक्त दे रही हो मुझे, जाओ मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। 2 दिन है तुम्हारे पास है नहीं, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन में अगर तुम घर वापस नहीं गई ना,
तो पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं बचेगा, बता रहा हूं। तुम होते कौन हो, किस रिश्ते से ये बात कर रहे हो? लगते क्या हो तुम मेरे? मैं लैला बेगम और सरफराज अहमद की बेटी हूँ। मेरी रगों में तुम्हारे बाप का खून नहीं तोड़ा है। तुम मेरे भाई नहीं हो बली। सही कहा तुमने, नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई, लेकिन तुम्हारी नजर में, लेकिन मेरा क्या? हाँ, वली की तो एक ही बहन है ना, और वो तुम हो। घर आ जाना, माँ इंतजार कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया तुमने अकबर हुसैन। खानदान वालों की जबानें बंद करने का इससे बेहतर तरीका और हो ही नहीं सकता था। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था भाभी बेगम। अपनी इज्जत बचाने के साथ साथ कंदील का घर भी तो बसाए रखना है, और वैसे भी खुदा अब अपने बाप के घर से वापस आने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, इस बहाने खुदा के बाप ने उसको अपनी बेटी तस्लीम तो किया ना, लेकिन ये कंदील की ससुराल का क्या मामला है? भाभी बेगम, आप तो ऐसे मासूम बन रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आपकी चहेते की वजह से कंदील के ससुराल वाले हमसे नाराज हैं, और उसकी सास वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती जब वो हमें जलील ना कर ले। और ये चुप छुपा के जो निकाह हुआ ना, इसका ढंडोरा पूरे सर्कल में घुमा रही है वो। नहीं नरमी, ऐसी कोई बात नहीं है। कंदील की वजह से उन लोगों से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। अगर उन्होंने कोई शिकवा कर भी दिया तो उसमें हर्ज क्या है? अब इसे छोड़े भाभी बेगम, इसे तो आदत है कुछ भी बोल देने की। आप बस मैरून निसा से रुखसती की बात करें। हो तो मैं कर लूंगी अकबर हुसैन, लेकिन आपका बेटा अपना घर बसाने के लिए तैयार तो हो? ताईसा, मुझे बाबा के किसी भी फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं। मैं भैया से शादी करने के लिए राजी हूं। मुझे एहसास हो गया है मैं जो कर रहा था गलत कर रहा था। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरुन्निसा इस तरह से अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए तैयार नहीं होगी। क्यों? उसका भी दिल नहीं भरा हमारी इतनी इज्जत अफजाई करके? नरमीन, जरा सोचो। हर माँ अपनी बेटी को बहुत इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत करना चाहती है। भाभी बेगम, मजबूरी में बंधे बंधनों में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती है। हमारे लिए यही सजा काफी है कि हम उसकी बेटी को ब्याह कर ले आए। Enough, Mama. बस। I think you should mind your language. बहुत कर लिया आपने बिया की तस्लीम। मैं अब बिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बस जो हो गया सो हो गया, मजीद तमाशा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि खानदान वालों को ज्यादा बातें बनाने का मौका मिले। दानियाल, तुम इतने बड़े कब से हो गए कि अपने फैसले तुम खुद से करने लगे? चलो मेरे साथ अंदर। दानियाल, चलो। जी मां। भाभी बेगम, इसकी बातों का बुरा नहीं मनाइएगा,
इसकी जुबान जरा तेज है। 30 साल पुराना साथ है मेरा उसका, अच्छी तरह समझती हूँ उसको। आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। ये क्या बकवास है दानियाल? तुम उस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? सबके सामने मुझे बुरा भला बनाकर अब तुम भैया से शादी करने की हामी बन लिए? ये इज्जत है मेरी तुम्हारी नजर में? ऐसा कुछ नहीं है मामा, आप गलत समझ रही हैं। आप एक बार मेरी बात तो सुनें। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? वहाँ तुम्हारा बाप वलीमे की तैयारी कर रहा है और मुझे खबर तक नहीं है तुम दोनों बाप बेटा एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। तो मैं और आखिर क्या करूँ मामा, क्या करूँ आप ही बताइए। इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई सबसे ज्यादा फंसा हुआ है ना तो वो मैं हूँ। खुदा मेरी बात का एतबार नहीं कर, बाबा मुझसे नाराज है, पूरे खानदान में हमारी बेइज्जती हो रही है और वहाँ कंदील के ससुराल वाले कितनी प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका घर तबाह होने वाला है। ये प्रॉब्लम भी सब तुम्हारी वजह से है। अच्छा हल निकाला तुमने इस प्रॉब्लम का। मुझे सच सच बताओ दानियाल, कहीं तुम्हारी और उस लड़की की प्लानिंग तो नहीं है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बाबा इस शादी के लिए राजी नहीं है। और बस कर दीजिए मामा, बस कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि गैरों की तरह आज आप भी मुझे ताने देंगी। अफसोस हो रहा है मुझे आप पर, और मजीद कितना गिराएंगी मुझे मेरी नजरों में। मैं जो कर रहा हूं अच्छे के लिए कर रहा हूं, प्लीज एक बार मुझ पर एतबार तो करें। मामा आप बैठिए, बैठिए। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। बहुत हो गई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, वादा करता हूं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, प्लीज। सिर्फ तुम्हारी वजह से उस लड़की को मुझे मुंह लगाना पड़ेगा, वरना वो 2 टके की लड़की इस घर के लायक ही नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन अब वो है, अब वो मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी, प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं उस मक्कार शख्स के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगी। देखो पिया, तुम्हारा निकाह हो चुका है, सिर्फ रुख्सती बाकी है। बात इस चार दीवारी से निकल के सारे में फैल गई है। अब तुम्हारी और इस घर की इज्जत इसी में है कि तुम्हारी रुख्सती हो जाए। तो आंटी मैं आपके खानदान पर कुर्बान क्यों हूं? मेरा शख्स के साथ हरगिज गुजारा नहीं है, ये नामुमकिन है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, रुख्सती के बाद तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों महफूज होंगे। अब अगर दानियाल इतनी लचक दिखा रहे हैं तो तुम्हें भी जरा नरमी पैदा करने चाहिए ना अपने एटीट्यूड में। आप लोगों को लगता है उस शख्स को कोई भी परवाह है? अगर उसे इस खानदान की इज्जत का इतना ही ख्याल होता तो वो ये सब करता ही क्यों? भजिया इसकी बातों पर ना आए, तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, जो दिल में आ रहा है बोल रही है। अम्मी मैं पागल नहीं हो गई, मैं जो कुछ कह रही हूँ अपने होशो हवास में कह रही हूँ। मैं उस शख्स से शादी हरगिज नहीं करूंगी, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं उनसा समझाओ उसे, बड़ी मुश्किल से मैंने अकबर हुसैन को राजी किया। समझा तो मैं इसे लूंगी भजिया, बस आप रुख्सती की तैयारी कीजिए। क्या मतलब रुख्सती की तैयारी कीजिए? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, आप सबको मैं बता रही हूँ, मैं किसी कीमत पर ये शादी नहीं करूंगी। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि सारे फैसले खुद करो। मेरे साहब, जवान बेटी पर हाथ उठाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तुम्हें इसे प्यार से समझाना चाहिए। प्यार से समझाने का वक्त गुजर गया है बच्चिया, अगर इसने मेरी बात सुनी होती और एहतियात की होती तो बात यहां तक ना पहुंचती। आप बस अकबर हुसैन को कह मैं रुख्सती के लिए तैयार। ठीक है। और अम्मी
आप भी मेरी बात गौर से सुन लें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। अगर औकात से ज्यादा मिल रहा है तो खुद को तोप समझने की जरूरत नहीं बिया, तुम वही करोगी जो मैं कह रही हूं, समझ आई तुम्हें? आपको बड़ी साहब ने बुलाया है। अनाभिया बीबी, आपके यहाँ पे कोई भी नहीं सुनेगा, इसलिए आपको जो कुछ करना है ना अपने लिए खुद करना होगा। क्या मुझे? इस शादी को रोकने के लिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप परेशान नहीं हो, बस जैसा आपको मैं कह रही हूँ ना आप वैसा ही करें। वली तुम उसके घर पहुंच गए? तो और क्या करता मां, ऐसे ही उसे अपनी मनमानी करने देता हूं। और अगर वो वापस ना आई तो? वापस तो आना पड़ेगा उसे, आना पड़ेगा। चाहता तो आज उसे उठा के ले आता मैं मां, लेकिन मुझे अपने खानदान की इज्जत का तमाशा बनते हुए देखना पसंद नहीं है। वो बहुत जिद्दी है, उसका पीछा छोड़ दो। जिद्दी है लेकिन मुझसे ज्यादा सरफिरी नहीं है माँ। और बताइए, जो हरकत उसने की है उसके बाद माफी की कोई गुंजाइश बचती है क्या? मेरी ये गलती है, वो बागी हो चुकी है। मुझे डर है कि कहीं कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं माँ, मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं है उसकी। बस आप एक मेहरबानी कीजिए मुझ पे, कम से कम आप तो मेरे सामने खुद को कसूरवार मत ठहराया करें। कसूरवार तो मैं हूं, अपनी बेटी की सही तरह से तरबियत जो ना कर सकी। मैंने कहा ना आपसे मां, खुद को कसूरवार मत ठहराए। बस दो दिन के अंदर वो यहीं इस घर में आपकी आंखों के सामने खड़ी मिलेगी, आपको वादा है वली काब से। अल्लाह करे ऐसा ही होगा। यहाँ पे कोई भी नहीं सुनेगा, इसलिए आपको जो कुछ करना है ना अपने लिए खुद करना होगा। अभी भी ऐसे बैठी हुई हो, चाय भी नहीं पी, ठंडी हो गई होगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। पिया तुम मेरा सब्र क्यों आजमा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं करी तुम्हारे लिए? अम्मी आप जानते बूझते मुझे साग में धक्का दे रही, इससे तो बेहतर आप मेरा गला दबा दे या जहर खिला दे मुझे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है, इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने वाले मुहाफिज नहीं बनते बेटा। अम्मी आपको लग रहा है कि वो बदल गया, ये भी उसकी एक चाल है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मान लेते हैं कि जो तुम सोच रही हो वो सही है, भैया तुम्हारा क्या होगा? अगर दानियाल ने तुम्हें तलाक नहीं दी वो तो आराम से कहीं और शादी कर लेगा, तुम्हारा कौन सहारा बनेगा बेटा? तो अम्मी मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुला लूंगी उससे, या ख्वाब देखने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अगर तुमने उनके अना पे हमला किया
कुचल देंगे तुम्हें, और मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी भैया। खुदा, मुझे तुमसे इतनी संगदिली की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें दानियाल को एक मौका तो देना चाहिए था सफाई का। तुम एक दफा उसकी बात तो सुनती यार। मैंने एक बार यकीन किया था उसका, लेकिन दानियाल जैसे कच्चे किरदार के इंसान को दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता। क्या पहले क्या हुआ था? तुम किस चीज की बात कर रही हो? तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले नसरीन की छोटी बहन, हम सब लोगों को लग रहा था कि इसके पीछे वली है। तुम्हें पूरा यकीन, लेकिन तुम्हें पता है उसके पीछे कौन है? उसका असली मुजरिम दानियाल। क्या तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हो हुदा? क्योंकि अपनी जान देने से पहले उसने मुझे खुद बताया था। लेकिन मैं इतनी पागल थी दानियाल की मोहब्बत में कि मैंने उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, भरोसा ही नहीं किया उसका, और वली को ही कसूरवार समझती रही। मैंने जानबूझ के सच से आंखें छुपाई थी उसकी, जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगा कि वो ये सब कुछ वली के डर से कह रही थी। मेरा दिल नहीं मानता इस बात को। दानियाल ऐसा नहीं कर सकता, और वली की हरकतों से कौन वाकिफ नहीं है हुदा? हो सकता है कि उस मेड ने डर से। मरने वाला इंसान मरते वक्त झूठ नहीं बोलता, मर तो वो वैसे ही रहा होता है, पर रही बात वली की, तो बड़ों की नफरत में हम कभी जान ही नहीं पाए कि वो कितना अच्छा इंसान है, कितना प्यारा इंसान। हुदा, बिया और दानियाल के निकाह की खबर सारे खानदान में फैल चुकी है, और बाबा इस बात पर अड़ गए हैं कि उनकी जल्दी से रुखसती कर दी जाए। अच्छी बात है, कम से कम दानियाल के गुनाह का कफारा तो अदा होगा। देखो, तुम एक बार फिर सोच लो, अगर तुम चाहो तो सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है। अब मैं दानियाल के झांसे में नहीं आने वाली, बहुत हो गया। उदा, मैं तुमसे यही कहूंगी कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम्हारे लिए आसान होगा दानियाल के बगैर रहना? उसकी मोहब्बत के बगैर जीना सीख लोगी तुम क्या? लेकिन इस दर्द भरी सच्चाई के बोझ तले जीने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वापसी का रास्ता अब मेरे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं रहा, और तुम भी उससे कह देना कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। जी किचन में है। तुम आ गई हैं? आप क्या समझते? आपका बेटा बली कोई बहुत बड़ा डॉन है जिसकी धमकियों से डर के मैं अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे के आपके घुटनों में आके बैठ जाऊंगी? फूल है आपकी मम्मी। पहले वली को अपनी जवानी की जू में छोड़ती और अब बुढ़ापे के डर से मुझे कैद करना चाहती है? हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी मम्मी, समझे आप? इतना जहर भरा है तुम्हारे अंदर रहनी, हालांकि मेरा मकसद तो मकसद मेरे लिए सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद है मैं, और आप उस वली को जाके समझा दें कि मेरा पीछा छोड़ दे। मैं आखिरी बार आप लोगों को बता दूं, वरना मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वली का तो कोई कसूर नहीं है नी, तो मैंने कहा था, इसलिए तो आपके पास आई हूँ, वरना आपको क्या लगता है कि मुझे उसकी धमकियों से डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। और जो उसका सबसे बड़ा डर है ना, मेरी मूवी रिलीज हो जाने, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी
और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं और ना ही मुझे रखना है। ये बात आप दोनों समझ जाए। बेगम साहबा, सब ठीक है ना? आए बैठे रहे, संभाल के बैठे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कॉन्फिडेंशियल है, किसी और के हाथ नहीं लगनी। आपकी कोई हद है या नहीं? कितना गिरेंगे और आप? अब क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? अगर आपको लगता है कि ये शादी हो जाएगी तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जैसे दरिंदे के साथ मैं एक मिनट ना गुजारू, जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। पिया, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारा और मेरा निकाह हो चुका है, तुम बीवी हो मेरी। तुम्हें अभी भी ये कुछ फहमी है कि तुम्हारे लिए वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं? खुशफहमी है ये आपकी, मुझे कमजोर मत समझिएगा। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे एक मौका तो दो कि मैं अपनी गलतियों का मदावा कर सकूं। इतनी संदिल तो मत बनो प्लीज। मैं ऐसे किसी जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती। आपके लिए बेहतर यही है कि आप खुद इनकार करते, वरना मैं इनकार करूंगी एन शादी के दिन। फिर अपने खानदान को जवाब आप खुद दीजिएगा। नहीं भैया, प्लीज नहीं, प्लीज ऐसे मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया। तुमने मुझसे बदला लेना है, मुझसे बदला लो। तुम मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो प्लीज। तुम अगर ऐसा करोगी तो मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, सारा जमाना हमारा मजाक उड़ाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। जब मेरी परवाह किसी ने नहीं की तो मैं क्यों करूं? बिया, इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? सुन लो उसकी बात। आंटी, यहाँ पर आ गई। आंटी प्लीज समझाइए ना भैया। मैं जानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं माफी मांगूंगा। मैं प्लीज इससे कहिएगा आखिरी मिनट इनकार ना करें, वरना हमारे खानदान की इज्जत। आप दोनों मेरी बात गौर से सुन लें, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। बिया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर बिया ने ऐसा कुछ भी कर दिया, बाबा मर जाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज बेटा, फिक्र मत करो, बिया कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। मैं आपको अपनी जबान दे रही हूँ। सब सच कह रही है ना? प्लीज आप जाकर बिया से बात कीजिए, प्लीज समझाइए उसे, प्लीज। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। रजामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद।